नीतीश शुक्ल को राज्य विधानसभा में अपना प्रतिनिधि बनाने के लिए एक भी योग्य उम्मीदवार नहीं मिला है। नीतीश शुक्ल ने अपने बेटे अनादि शुक्ल को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है और उनके इस फैसले से उनकी पार्टी में ही उनका दबी जुबान से विरोध शुरू हो गया है। पूर्व विधायक संतोष उपाध्याय ने अमितेश पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए उनके इस फैसले से क्षेत्र की जनता का अपमान होने का तीखा आरोप लगाया है। वहीं जोगी कांग्रेस के रोहित साहू ने इसे राज्य विधानसभा का दुर्भाग्य बताया। जीतने के बाद राज्य विधानसभा में कोई उसको प्रतिनिधि योग्य व्यक्ति नहीं मिलता, जो अपने पुत्र को यहाँ प्रतिनिधि बना के रखे हैं, ये राज्य विधानसभा का बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। प्रदेश शासन द्वारा